हेलो क्लास, वेलकम टू एचआरटी। एचआरटी में आप सभी का स्वागत। एचआरटी एथिकल डिलेमास फॉर यूपीएससी आईएएस में आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो आज की केस स्टडी डिस्कस करते हैं आपकी मेंटोर ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो जो आपकी पहली केस स्टडी है इस सीरीज की, ये आपके करंट इवेंट पे बेस्ड। अभी आप सभी ने ताऊते साइक्लोन के बारे में सुना होगा। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे आपको अपने आप को सपोज करना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले क्लास। यहाँ पे क्या दिया गया है, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यू आर पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड यू आर अलार्म्ड ऑफ अ साइक्लोन ताऊते व्हिच इज गोइंग टू हिट गुजरात कोस्ट लाइन। एज अ डीएम व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन टू मिनिमाइज द डिजास्टर। आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुजरात के किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है और आपको पहले से ही ये वार्निंग दे दी गई है कि साइक्लोन ताऊते आपके डिस्ट्रिक्ट पे हिट करेगा, तो आप किस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे कि डिजास्टर, इस डिजास्टर से होने वाले जो लॉसेस हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम अपने एक्शंस को एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्कस करते हैं। जब भी हम किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेनली हम इस फ्लो चार्ट की बात करते हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है आपका प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन की हम बात करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट करना है एज अ डीएम की तरह। ठीक है, आपको डीएम की तरह सोचना है। तो डीएम सबसे पहले क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन किस तरीके की होगी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका हेड है। यहाँ पे हमने इस फ्लो चार्ट में इसको यहाँ बिठा दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहला काम क्या करेगा, वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। नोडल ऑफिसर वो क्यों अपॉइंट करेगा, नोडल ऑफिसर विल बिहेव लाइक अ कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक डीएम की तरह आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे अर्जेंट उसकी और एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे नोडल ऑफिसर आपका सीडीओ भी हो सकता है, एडीएम भी हो सकता है, जिसको भी डीएम बनाना चाहे बना सकता है। फिर वो वेरियस अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को बुलाएगा, हेड को बुलाएगा। जैसे कि मैंने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, मैंने आपसे कहा हेल्थ डिपार्टमेंट में मीटिंग में सीएमओ आ सकता है। सीएमओ आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे दो स्टेप्स आपके डिस्कस किए जा सकते हैं, प्री एंड पोस्ट। मतलब डिजास्टर से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है एंड डिजास्टर के बाद क्या क्या प्रिपरेशन होगी, दोनों चीजों को डीएम यहाँ पे डिस्कस करेगा। ठीक है, इस मीटिंग में प्री प्रिपरेशन में जैसे सीएमओ को इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है कि आप फर्स्ट एड तैयार रहिए, जो भी नेसेसरी मेडिसिन है वो देखिए डिस्ट्रिक्ट में आपके अवेलेबल हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि शॉर्टेज पड़ जाए, तो एक प्रॉपर फर्स्ट एड तैयार करने की बात कही जा सकती है। दूसरा, नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं इस समय, इसका पूरा डेटा कलेक्ट करने की बात। तीसरा, हॉस्पिटल्स में कितने बेड खाली हैं, समझ में आ रहा है, और कॉन्टिजेंसी सिचुएशन में कितनी जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके, इन सब सिचुएशंस की बात की जाएगी। दूसरी चीज, पोस्ट में कहा जा सकता है कि कितनी जल्दी अर्जेंसी में, इमरजेंसी में कितनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों तक पहुंचे, इसके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट, और एम्बुलेंस जो हो वो प्रॉपरली ऑक्यूपाइड हो विद द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल हो, समझ में आ रहा, फर्स्ट एड किट आपका अवेलेबल हो, ये सब चीजें आपकी एम्बुलेंस में अवेलेबल हो। तो इन सब चीजों से रिलेटेड बातें डीएम सीएमओ के साथ डिस्कस कर सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें पुलिस, जिसको की मेन काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यहाँ पे एसएसपी को कॉल किया जा सकता है। एसएसपी मीटिंग में बैठा रहेगा, एक ये मीटिंग है जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर्स बैठे। एसएसपी से डीएम कह सकता है इम्पोर्टेंट प्लेसेस को इवैक्यूएट कराने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइक्लोन हिट करने पर इतना ज्यादा दिक्कतें होने के चांसेस नहीं है, तो उन प्लेसेस को इवैक्यूएट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जगह भी जहाँ होंगी जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे स्लम एरियाज, ऐसे कुछ एरिया जिनको की अर्जेंट बेसिस पे इवैक्यूएट कराने की जरूरत है, वहां पे डीएम पुलिस को ये ऑर्डर दे सकता है। यहाँ पे डीएम मिलिट्री की भी हेल्प ले सकता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डीआईओ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में
ये डीआईओ से कंसल्ट कर सकता है और कह सकता है कि आप सबसे पहले एक फ्लड कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करिए। क्लास आपको हर एस्पेक्ट में अपने आंसर को लिखना है। फ्लड कंट्रोल रूम बनाने की बात कर सकता है। फ्लड कंट्रोल रूम से जो भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी वार्निंग्स हैं, जो भी अलर्ट्स हैं, जो भी गाइडलाइन है, वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी थ्रू रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे डीआईओ की हेल्प से एक हेल्पलाइन नंबर भी क्रिएट किया जा सकता है, हेल्पलाइन नंबर या फिर इमरजेंसी नंबर। अगर आफ्टर डिजास्टर ऐसी कोई जगह है जहां पे कोई फंसा हुआ है तो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो इंफॉर्म कर सकता है। तो दोनों चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, जो भी हमारा अप्रोच है, वो प्री पोस्ट दोनों को लेकर है क्लास। यहाँ पे जब मैं आपसे इवैक्यूएशन की बात कर रही हूँ पुलिस में, तो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी आपकी जो पुलिस फोर्स है उनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के बाद हम बात कर सकते हैं पंचायत की। अब विलेज लेवल पे डीएम डीपीआरओ से कंसल्ट कर सकता है, डीपीआरओ से। ठीक है, डीपीआरओ क्या करेगा, जितने भी पंचायत है वहां तक इन वार्निंग्स को, इन गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शन को पहुंचाएगा पंचायत तक। और यहाँ पे एक रोल और प्ले किया जा सकता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को कलेक्ट किया जा सकता है और ऐसे कम्युनिटीज के वर्कर्स को जो कि आपके रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सके, उनसे कंसल्ट किया जा सकता है। एनजीओस की हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेंड किया जाएगा। जैसे अब आप समझिए, सर्वाइवर भी दो तरीके के होते हैं। जैसे डिपेंडेंट सर्वाइवर में आपके ओल्ड एज लोग आ गए, वो खुद से अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। हैंडीकैप लोग, छोटे छोटे बच्चे, तो इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उनका अरेंजमेंट किया जाएगा। तीसरी, हेल्थ, पुलिस, कम्युनिकेशन, डीपीआरओ और अदर, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो यहाँ पे आप अदर डिपार्टमेंट्स में लिख सकते हैं। अदर डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी भी लिख सकते हो, जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी से क्या बात की जा सकती है, प्रॉपर ड्रेनेज, कहीं पे अगर ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को रिमूव कराने की बात कही जा सकती है। प्लस दूसरी चीज आपको याद रखना है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डिजास्टर। डिजास्टर जब एक बार हिट करेगा, साइक्लोन हिट करेगा, तो उसके बाद कई पेड़ गिरे रहेंगे रोड पे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो आपका है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे बात की जा सकती है आपकी इक्विपमेंट्स को अरेंज करने की। समझ में आ रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी जहां पे भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव किया जा सके। अदर डिपार्टमेंट में डीएम वेटनरी डॉक्टर्स से बात करेगा, जहां पे वो बात करेगा जितने भी कैटल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर एक सेफ जगह पे पहुंचा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे वो बात करेगा सिविल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट भी कुछ किट तैयार रखेगी खाने की, क्योंकि डिजास्टर के बाद लोगों को ऐसा तो है नहीं भूख नहीं लगेगी, तो लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए किस तरीके की किट बनाई जाएगी, नेसेसरी सामान जो उनको चाहिए उन तक पहुंचाने के लिए सिविल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की हेल्प ली जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो आप खुद ग्राउंड लेवल पे जाके एक एक लोगों की हेल्प नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम है और एक डिजास्टर आपके डिस्ट्रिक्ट में हिट करने वाला है, तो किस तरीके से आप वेरियस डिपार्टमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे और इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन इशू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें बोला गया है गुजरात कोस्टलाइन की बात की गई है। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी आपसे, आप अपने आंसर में ये भी लिख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट है उनसे भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। ये उन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के भी मजिस्ट्रेट से, गुजरात के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी कंसल्ट करेगा कि वहां पे किस तरीके की प्रिपरेशन अडॉप्ट की जा रही है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉपर वे में एक दूसरे के साथ कन्वे की जा सके। ये आपका हो गया एक प्रोसेस। तो मैंने आपसे प्रिपेयर फेस की बात कर ली। यहाँ पे आपको पता है हमने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने की बात की, मैंने डीआईओ की बात की, रिस्पांस प्लान में, ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज में मैंने आपसे कहा, पुलिस डिपार्टमेंट में आपके जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेन करना या रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोगों को ट्रेन करना, यहाँ पे आप एनजीओ और
कम्युनिटीज का भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे पुलिस है ही है आपकी, प्लस डीएम को अगर लगता है तब भी शॉर्टेज है लोगों की तो वो मिलिट्री को भी कॉल कर सकता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अर्ली वार्निंग आप डिक्लेयर करोगे, अर्ली वार्निंग आप लोगों को दोगे थ्रू कम्युनिकेशन, जहाँ पे डीआईओ अपना रोल परफॉर्म करेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेशन में आपके सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर वे में उनको गाइडलाइन दी जाएगी और उनको उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालना है। और हर डिपार्टमेंट किसको किसको अपनी इंफॉर्मेशन देगा, नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर एक कम्युनिकेशन चैनल की तरह वर्क करेगा डीएम और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्लस अगर आपको नहीं लिखना है नोडल ऑफिसर के बारे में तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो डीएम और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोडल ऑफिसर के बारे में भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि अभी आप आंसर लिख रहे हो आपको बहुत हल्की सी चीज लग रही, लेकिन जब एज अ डीएम आप अपॉइंट किए जाओगे और ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको ये चीज लगेगी ये चीज इतनी आसान नहीं है जितना आंसर में लिखना आसान है। तो अब आप उस तरीके से अपने आंसर को लिखिए। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स फेस की, ठीक है। मैंने आपसे प्रिपेयरनेस फेस की बात कर ली, अब रिस्पॉन्स फेस की हम बात करते हैं। रिस्पॉन्स फेस में मेनली आपका कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सेविंग लाइफ, ठीक है, ये आपका है। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है, फ्लड कंट्रोल रूम आपका बना हुआ है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स के बीच में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, मैंने आपको बताया है, समझ के रखिएगा। आपकी सर्वाइवर्स भी दो तरीके के होते हैं, जो कि फुली डिपेंडेंट सर्वाइवर्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से आपके पे डिपेंड है, जैसे कि ओल्ड एज हो गए, हैंडीकैप लोग हो गए, या फिर हो गया आपके छोटे बच्चे, ठीक है। और सेविंग लाइफ, यहाँ पे ये आपका मेन पर्पस होगा रिस्पॉन्स फेस का। अब हम बात करते हैं रिकवरी फेस। रिकवरी फेस में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पूरा एनालिसिस करेगा, एक पूरा डेटा कलेक्ट करेगा जहाँ पे कितने लॉसेज हुए हैं, अगर ह्यूमन लॉसेज हुए हैं उनका भी डेटा कलेक्ट करेगा, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस या इस तरीके के लॉस हुए हैं उनका भी डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो रिस्टोरिंग की बात करेगा कि जो भी लॉसेज हुए हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ तो आपकी फिर से नहीं वापस की जा सकती है, लेकिन अगर किसी को भी ऐसी लाइफ हुई है तो अगर उनको किसी भी स्कीम के थ्रू हेल्प प्रोवाइड किया जा सके तो यहाँ पे वो हेल्प प्रोवाइड करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात करेगा, रिकवरी की बात करेगा, रिहैबिलिटेशन की बात करेगा, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स होंगे आपके रिकवरी फेस में, समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये भी देखेगा, अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते करते कोई मर गया या उसको कुछ दिक्कत आ गई तो वहां पे क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू उसकी मदद की जा सके, समझ में आ रहा है। चलिए अब जो फोर्थ फेज है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरीके से आपको बिहेव करना है, तो मिटिगेशन फेज। मिटिगेशन फेज में आप क्या करेंगे, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, एक अवेयरनेस क्रिएट करें। जब भी हम मिटिगेशन फेज की बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पे दो तरीके का फेज होता है आप डिजास्टर मैनेजमेंट में बात करते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट की। जब भी आप नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात करते हो, मैनेजमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे आपका जैसे मैंने कहा अवेयरनेस क्रिएट करने की बात हुई, लोगों को ट्रेन करने की बात हुई, समझ में आ रहा है, ये आपका नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। जब भी हम स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात करते हैं। यहाँ पे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप देख सकते हो कि अब जो भी रिकंस्ट्रक्शन होगा वो इस तरीके से हो कि आगे अगर इस तरीके का साइक्लोन फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में हिट करे तो लॉसेस जो भी हो वो आपकी कम हो, मतलब एक इंजीनियरिंग अप्रोच आपका होगा, समझ में आ रहा है। तो ये पूरी केस स्टडी है आपकी जिसमें कि आप अपने भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने भी पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है क्लास। और अगर आप चाहते हो इसी तरीके से करंट सिचुएशन पे बेस्ड और केस स्टडी मैं लेके आऊं, प्लस मैं पार्ट ए के जो टॉपिक्स हैं आपके, जो कीवर्ड्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको मैं आपको करंट एग्जांपल से लेके समझाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से एक्सआरटी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।